हेलो फ्रेंड, जगति किचन में आप लोग का वेलकम है। राधे राधे। आज आम थे हम अमूड़ा बनाने वाले। ये बहुत सुंदर बनके तैयार होता है। ये देखिए कच्चा है, कच्चे आम का हम आपको बहुत बढ़िया बनाकर दिखाते हैं। इसे मैंने धो लिया है, अब इसे हम छील लेंगे। चलिए हम इसे छील कर दिखाते हैं। देखिए ऐसे हम पकड़ कर सारे को छील लेंगे। ये बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी कच्चा आम मिल भी रहा है और ये बहुत अच्छा लगेगा। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए इसे सारे हम ऐसे पकड़कर छील लेते हैं। ये मैंने छील लिए हैं। अब इस छीलने में हमें 2 मिनट लगे हैं। चलिए इसे हम चॉप कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारे पीस कर लिए। ऐसे आपको भी चॉप करना है। आप चाहे तो इसको लंबा लंबा भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। आप मतलब किसी शेप में भी आप इसे बना सकते हैं। चलिए अब हम एक पैन चढ़ाते हैं। ये देखिए मेरा पैन हीट हो गया। अब इसमें हम तेल डालेंगे, बस सिर्फ 1 चम्मच। ये देखिए इसे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम लो करेंगे। अब यहाँ पर हम जीरा का फोरन डालेंगे, बिल्कुल आधी छोटी चम्मच। ये देखिए, और यहाँ पर मीठा के लिए हम सौंफ डालेंगे ताकि स्वाद अच्छा लगे, वो भी आधी छोटी चम्मच। चलिए इसे हम गोल्डन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक चाय पत्ता डालेंगे। यहाँ पर हम चाय पत्ता एक डालेंगे। इस सबको अच्छी तरह से गोल्डन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम चुटकी भर जमाइन डालेंगे, और यहाँ चुटकी भर मंगरेला, जिसे कलौंजी भी कहते हैं लोग। चलिए इसे गोल्डन थोड़ा कर लेते हैं। ये देखिए गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम ये चॉप किया हुआ आम डालेंगे, सारे एक एक करके डाल देंगे। बहुत अच्छा बनता है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर आम के सीजन में मेरे घर में ये बनता है। अब इसे हम गोल्डन करके भूनेंगे। इसमें जरा गलने के लिए हम नमक डालेंगे, व्हाइट नमक, बस छोटी चम्मच ही, 1 चम्मच डालेंगे हम। अब इसे हम मिक्स करेंगे। इसे गोल्डन होने तक हम कम से कम इसे 5 मिनट लगेंगे आपको गोल्डन करने में। चलिए इसे गोल्डन करते हैं, ढक कर रखते हैं। ये सॉफ्ट भी हो जाएगा, अथवा पक भी जाएगा, गोल्डन भी हो जाएगा। ये देखिए अभी 2 मिनट हुआ है, ये कितना अच्छा हो, मतलब हो रहा है गोल्डन, और ये बहुत अच्छा मीठा मीठा बनेगा। जबकि अभी इसमें गुड़ नहीं डाले हैं। आप चाहे तो गुड़ या चीनी, दोनों में कुछ भी डाल सकते हैं। और इसे आप कम से कम 1 महीना आराम से रख कर खा सकते हैं। फ्रिज में भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, किचन में भी। वो ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन पानी का यूज मत कीजिएगा, कम से कम पानी का यूज कीजिएगा। चलिए फिर 3 मिनट और हम कर लेते हैं। बहुत मीठा मीठा महक रहा है ये। ये देखिए मेरा गोल्डन हो गया है। अब ये मैं लो फ्लेम पे इसे मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। देखिए एकदम घुल गया है, पक गया है। चलिए इसमें हम अब घोल डालेंगे। ये 2 मिनट में यहाँ पक गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए कितना अच्छा ये हो गया है। अब इसमें हम घोल डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर चीनी भी डाल सकती हैं। ये मेरा लगभग 700 ग्राम मीठा है। 1 किलो मैंने आम लिया था, तो 700 ग्राम मैंने मीठा लिया है। ये देखिए मीठा में कुछ खिड़की टाइप का होता है, इसे हम छान कर डालेंगे घोल कर। ये देखिए मैंने घोल बना लिया है, छान भी लिया है। अब इसमें हम डालेंगे, क्योंकि ये इसी टाइम डालना है। मेरा 5 मिनट मतलब 8 मिनट हो गया है। अब 8 मिनट के बाद मैं गुड़ डालूँगी, उसके बाद 2 मिनट और पकाऊँगी। ये देखिए सारे इसमें हम डाल देंगे।
ऐसे मीडियम लो पर पकाएंगे, हाई पर नहीं पकाना है, मीडियम पर पकाना है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा कुछ मसाले डालेंगे, वो मैं आपको बताते जाऊंगी। ये देखिए उबाल आ गया है। चलिए इतनी टाइम हम इसे धीमा कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच से भी कम काला नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। काला नमक डालने से ना टेस्ट और बढ़ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच में चाट मसाला डालूंगी और यहाँ पर आधी छोटी चम्मच गोलकी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, ये कश्मीरी डालेंगे कलर के लिए, और यहाँ पर आधी छोटी चम्मच में गरम मसाला डालूंगी। मसाला डालने से ये स्वाद और भी बढ़ जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। एक बार ट्राई जरूर कीजिए और बहुत ही अच्छा बनता है। बस इसे अभी और 2 मिनट और लगेंगे इनको लटपट होने में। चलिए इसे लटपट करते हैं। और ये रेसिपी मेरी मम्मी का है, मेरी मम्मी ने हमें सिखाया है बनाने के लिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसे हम ढककर रखते हैं, मीडियम लो पर रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा सुगंध भी दे रहा है, घर में बहुत अच्छा महक रहा है। ज़रूर एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा बनाने के लिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे बनाते हैं, और मेरा वाला बनाकर बताइएगा कि कैसे आप बनाया है, हमें भी कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, चलिए हम चेक करते हैं। ये देखिए मेरा हो गया है कंप्लीट। इसे ज़्यादा हम इसे नहीं सुखाएंगे, अगर सुखाएंगे तो ये पूरा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसे ठंडा होने पर ये लटपट हो जाएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए मैं एक बॉल में निकाल के रख ली हूँ। ऐसे भी आप इसे बुयाम या किसी बोतल या बॉल में रख सकते हैं। ये भी ठंडा होगा तो उसके बाद मैं सर्व करूँगी। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।